पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तानसेन की आगरा रवानगी के बाद रेवा की जनता में राजा रामचंद्र के प्रति गुस्से की लहर दौड़ जाती है। कुलगुरु राजा रामचंद्र को जनता की भावनाओं से अवगत कराते हैं। राजा जी वेश बदलकर जनता में जाते हैं तो पाते हैं कि कवि बंजारा लोगों को उनके खिलाफ भड़का रहा है। राजा जी के सैनिक कवि बंजारा को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुर्ची तानसेन को दरबारे अकबरी में पेश करता है। तानसेन शहनशाह अकबर को बाएं हाथ से सलाम करता है, जिससे सभी दरबारी म्यान से तलवारें खींच लेते हैं। परंतु तानसेन के हकीकत बयान करने पर अकबर बादशाह उन्हें माफ कर देते हैं और आगे भी बाएं हाथ से सलाम करने की इजाजत दे देते हैं। तानसेन के दरबारे अकबरी में गाना गाते ही साज अपने आप बज उठते हैं। इस पर बादशाह अकबर खुश होकर तानसेन को नौवें रत्न का रुतबा अता करते हैं। और तानसेन को सौगंध है मां सरस्वती की, यदि कल युद्ध हुआ तो सबसे पहले आप तानसेन को मरा हुआ पाएंगे। सेनापति, तानसेन की आगरा रवानगी का प्रबंध किया जाए। तानसेन की जय हो, 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 आओ शाही। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम। आइए तानसेन जी, आइए। आपकी यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। तानसेन जी, आप किसको तलाश कर रहे हैं? महामंत्री जी, मैं बांधवगढ़ से सदा सदा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे परम मित्र राजा रामचंद्र जी मुझे विदा करने के लिए यहाँ भी नहीं पधारे। राजा जी तो मैं समझ सकता हूँ, बिछुड़ने की घड़ी उनके लिए भी उतनी असहनी होगी जितनी कि मेरे लिए है। अब आज्ञा दीजिए। शाही, अपना ख्याल रखना। शाही तानसेन की जय हो, 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 तानसेन की जय हो।
राजा जी, पालकी उतारो, पालकी नीचे उतारो, नीचे उतारो। बांधवगढ़ का राजपूत प्रतापी राजा रामचंद्र इस साधारण से मनुष्य की पालकी को कंधा दे रहा है। नहीं राजा जी, एक मित्र होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है तानसेन। ये कैसा कर्तव्य निभा रहे हैं राजा जी, जो एक मित्र को पुण्य का और दूसरे मित्र को पाप का भागी बना रहा है। पाप के भागी तो तुम तब बनते तानसेन जब तुमने हमें ऐसा करने के लिए कहा होता। ये सब कुछ तो हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं तानसेन। किंतु क्यों राजा जी, क्यों? तानसेन, हम अपने मित्र को उसी के हट के कारण अपने राजसी वैभव की देखरेख में रख नहीं सकते, तो क्या हम अपने मित्र को राजसी वैभव की देखरेख में विदा भी नहीं कर सकते? या फिर हमें इस बात का भी अधिकार नहीं? राजा जी, इतिहास हमारी किसी बात को याद रखे या ना रखे, लेकिन हमारी मित्रता का उदाहरण कदापि नहीं भुला पाएगा। और आज आपकी इसी मित्रता के बलिहारी ये तनसुख मकरंद पांडे उर्फ आपका तानसेन आपको नमन करता है। और आपकी इसी मित्रता की शपथ लेते हुए ये प्रण करता है कि आपका ये तानसेन आज के बाद अपने इस दाहिने हाथ से किसी भी मित्र राजा या शहंशाह को सलाम या नमन नहीं करेगा, चाहे वो शहंशाह जहां ही क्यों ना हो। कितना ही जादू आवाजी में इंद्र राजा बरसे, सुनकर राग हिरण भी दौड़े आते हैं, सुनकर राग हिरण भी दौड़े आते हैं। अंधेरे में तान जब छेड़ देते तानसेन, अंधेरे में तान जब छेड़ देते तानसेन, बोर हो जाती है और दीप जल जाते हैं। शान मान सम्मान सभी को दिए हो जैसे, शान मान सम्मान सभी को दिए हो जैसे, रीवा की जनता के चेहरे पे भाव पाते हैं। कैसे भेज दिए तानसेन जी महाराज जी ने, लगता है रीवा के नरेश घबराते हैं, लगता है रीवा के नरेश घबराते हैं। सूर तुलसी कबीर मीरा रस खान देखो, सभी इस धरती पे जन्मे कलाकार हैं, सारे कला के पुजारी सरस्वती माँ के बेटे, राजा हो या प्रजा इनको करते दिल से प्यार हैं। जो राजा नवाब इनकी कदर न जाने कोई, जो राजा नवाब इनकी कदर न जाने कोई, उनकी आंखों में दिन में रहता अंधकार है। तानसेन महाराज भेज दिए आगरा में, राजा रामचंद्र की जवानी को धिकार है, राजा रामचंद्र की जवानी को धिकार है, राजा रामचंद्र की जवानी को धिकार है। छुपाए जाओ भैया, छुपाए जाओ, आफत क्यों मोल लेते हो? अरे काहे छुपाए जाए काकी, हम कौनो चूड़ी पहन कर बैठे हैं? राजपूत छत्री हैं हम। राजपूत हैं तो का हुआ, कभी काका को भरी चौपाल से खींच कर ले गए तब का कर रहे थे, कभी तुमको खींच कर ले गए तो हम का करेंगे? काकी बिल्कुल ठीक कहते भैया। कछु ठीक नहीं कहते भैया, सबके सिर पर तो अकबर बादशाह का भूत मंडरा रहा है। तुम लोग राजपूत हो, थूकता हूँ तुम लोग की ठकुराई पर। थू, रोको भैया रोको, कहीं कुछ कर ना बैठे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता सरदार। शर्म आती है मुझे अपने आप को रीवा का नागरिक कहते हुए। इससे अच्छा तो यह होता सरदार, भवानी समूह के हर सदस्य के हाथ में तलवार नहीं चूड़ियां पहना देते, चूड़ियां। आखिर चाहते क्या हैं आप सब लोग? प्रतिशोध चाहते हैं हम लोग। अगर हमारे दल का काम समाज को जगाना है तो कवि काका की मुक्ति चाहते हैं हम लोग। ठीक है, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो हम वहां पर आक्रमण करेंगे, लेकिन कल तक हमें रुकना होगा। कल क्यों सरदार? आज नहीं। क्योंकि कल राजा रामचंद्र हमारे कवि बंजारा के भाग्य का फैसला करने वाले हैं, और हम कोई भी निर्णय कल के फैसले के बाद ही करेंगे। दरबार के बाद नहीं सरदार, हम फैसला दरबार में करेंगे। यदि राजा रामचंद्र ने कोई उल्टा सीधा फैसला लिया तो हम विद्रोह करेंगे सरदार। जोश और उन्माद का स्वागत करते हुए मैं आपकी मांग पर स्वीकृति प्रकट करता हूँ। जाओ
और जाकर रीवा राज की गली गली में फैले भवानी सैनिकों को सूचित कर दो कि यदि कल राजा रामचंद्र ने हमारे कवि बंजारा के विरुद्ध कोई निर्णय लिया तो राज दरबार में विद्रोह। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया देवी? क्या आप हम सबके निर्णय से सहमत नहीं हैं? प्रश्न सहमति और असहमति का नहीं है पुत्र, प्रश्न तो ये है कि तुम्हारा निर्णय किसके विरुद्ध है। आप अच्छी तरह जानती हैं देवी, यह निर्णय उस व्यक्ति के विरुद्ध है जिसने मात्र अपने सिंहासन की रक्षा के लिए तानसेन जैसे महान संगीत सम्राट को अकबर के हाथों सौंप दिया। इतना ही नहीं देवी, कल हमारे कवि बंजारा को भी राष्ट्रद्रोह के अभियोग के विरुद्ध गिरफ्तार कर लिया। विश्वास नहीं होता कि राजा रामचंद्र जैसा न्यायप्रिय और अच्छा राजा ये जन विरोधी कार्य कैसे कर सकता है। हाँ देवी, एक अच्छे राजा की एक बुराई के विरुद्ध हम सब कितने शीघ्र संगठित हो गए। क्या मतलब? मतलब ये देवी कि यदि हमारे राजा रामचंद्र एक क्रूर आतताई और निरंकुश राजा होते तो ये तानसेन का सौदा और कवि बंजारा गिरफ्तारी एक साधारण घटना होती, किंतु वो तो एक न्यायप्रिय राजा है इसीलिए उनके द्वारा किया गया ऐसा निर्णय एक असाधारण घटना है। ठीक कह रहे हो तुम, बुरे व्यक्ति की गलतियां देखने की हमारी आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं, किंतु किसी अच्छे व्यक्ति की एक भी गलती हमारे आंख की किरकिरी बन जाती है। जाओ और अपने संघर्ष में सफलता प्राप्त करो। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सावधान, सावधान, रीवा नरेश वीर विक्रम राजा रामचंद्र राज दरबार में पधार रहे हैं। कहिए, इस सभा का आयोजन किस संदर्भ में किया गया? क्योंकि आज एक राष्ट्रद्रोही व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाने वाला है। अमात्य, जो आज्ञा। राष्ट्रद्रोही कवि को दरबार में उपस्थित किया जाए। इस कवि को बंदी क्यों बनाया गया है? बीते कल जब आप सब भ्रमण पर निकले थे तो इस कवि बंजारा ने अपनी ललकार भरी कविता से रीवा राज्य की भोली भाली जनता को भड़काने का प्रयास किया और आपके आने के बाद वहां उपस्थित जनता ने राज्य कर्मचारियों और यहां तक कि आपके ऊपर भी आरोप लगाए। महाराज, मैं तुमसे पूछता हूं कवि, क्या तुमको अपने बचाव में कुछ कहना है? जी हाँ, कहना है। चाहे कट जाहे सिर, देखे रीवा वाले फिर, मेरी जिंदगी को सच कहने की सजा दूंगा। कुंठित न होने वाला, सच बात कहने वाला, कंठ काट डालो सो ये गांव को जगा दूंगा। अंगीकार होगी नहीं मुझको अधीनता ये, अंगीकार होगी नहीं मुझको अधीनता ये, जिंदगी जीने का मोह दिल से भगा दूंगा, जिंदगी जीने का मोह दिल से भगा दूंगा। मस्तक न झुक पाए दुश्मनों के आगे मेरा, मस्तक न झुक पाए दुश्मनों के आगे मेरा, बेड़ियों से बंदा सिर दाव पे लगा दूंगा, बेड़ियों से बंदा सिर दाव पे लगा दूंगा, बेड़ियों से बंदा सिर दाव पे लगा दूंगा। बस बंद करो अपना ये प्रलाप, तुम्हारा एक एक शब्द कानों में पिघले हुए शीशे की तरह घुस रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ महाराज, इस राष्ट्रद्रोही कवि को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाए। इस दुष्ट को हाथी के पांव से कुचलवा दिया जाना चाहिए। इसको मार के फेंक देना चाहिए। यह हत्या के लायक है। फांसी देनी चाहिए इसे। इसे मार डालो, इसे फांसी चढ़ा दो, इसे जला डालो, इसे मार डालो, इसे फांसी चढ़ा दो, इसे जला डालो, इसे मार डालो, इसे फांसी चढ़ा दो, इसे जला डालो, इसे मार डालो, इसे फांसी चढ़ा दो। हद हो गई। जिन्हें इंसाफ करना है उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए, या आप लोग आपस में ही अपनी राय देते रहेंगे? मंत्रीवर, कृपया आप लोग विराजिए, पधारिए आप लोग। क्षमा कीजिए महाराज,
इस राष्ट्रद्रोही की दुष्टता से हम सभी को क्रोध आ गया था, इसलिए अपने आप पर संयम नहीं रख सके। अब आपसे निवेदन है महाराज कि आप अपना निर्णय सुनाने का कष्ट करें। हम इस कवि को राजकवि के पद पर सुशोभित करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप लोगों ने इस व्यक्ति के लिए अपने अपने विचार रखे, इसे राष्ट्रद्रोही कहा और इसके लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव भी रखा। क्या मैं आप लोगों से एक बात जान सकता हूं, भला इस व्यक्ति का राष्ट्रद्रोह के लिए क्या स्वार्थ हो सकता है? स्वार्थ? हां, स्वार्थ। यह कवि है, कवि, कलाकार और साहित्यकार, ये कभी स्वार्थी नहीं होते। इस राज्य कवि को मुक्त कर दिया जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं राजन। अवश्य पूछिए। आप जैसा शूरवीर, क्षत्रिय कुल का गौरव, बादशाह अकबर की मांग के सामने झुक क्यों गया राजन? हमारा सर अकबर की इच्छा के सामने नहीं झुका था कविराज। हमारा सर हमारे दोस्त तानसेन के बलिदान की धमकी सुनकर उसके सामने झुक गया था। मैं लज्जित भी हूं राजन और समझ भी नहीं पा रहा हूं कि आप हमसे कहना क्या चाहते हैं। हम ठीक कह रहे राज्य कवि। रीवा राज्य की अस्मिता के लिए हमारे परम मित्र तानसेन ने हमें धमकी दी थी कि मुगलिया सेना से टकराने की सूरत में हमारी सेना को तानसेन के शव को लांगना होगा, जो हमें स्वीकार नहीं था। ये आप हमसे क्या कह रहे हैं? यही कविराज कि जो रक्त तुम्हारी रगों में बह रहा है ना, वही रक्त हमारे शरीर में भी प्रवाहित है। यदि तुम रीवा राज्य के नागरिक हो तो हम भी रीवा नरेश हैं। सदियों से इस राज्य की अखंडता और स्वतंत्रता इस बात की साक्षी है कि हमने और हमारे बुजुर्गों ने बांधवगढ़ की जमीन को अपने रक्त से सींचा है। इसलिए यह मस्तक कट तो सकता है कविराज, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। मंत्रीवर, इन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दीजिए। जो आज्ञा राजन। धन्यवाद महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए राजन। ये क्या हो रहा है? आप लोग इस प्रायश्चित भाव से अपनी तलवारें हमारे चरणों में क्यों रख रहे हैं? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम सब आपके क्षमा के प्रार्थी हैं। क्षमा? किस बात की क्षमा? क्या तुम लोगों ने कोई अपराध किया है कि तुम्हें क्षमा कर दिया जाए? हां महाराज, आपके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का निर्णय हमने ही लिया था। राष्ट्रद्रोह? हां महाराज, हम सबको आपके बारे में भ्रम हो गया था कि
कि आपने आगरा के बादशाह के साथ कोई गुप्त संधि करके हम सबकी आजादी को खतरे में डाल दिया है। उसके बाद जब कवि बंजारा की गिरफ्तारी हुई तो हमें लगा जैसे आपकी सत्ता हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हमने जन आंदोलन के तहत कवि बंजारा को मुक्त कराने की योजना बनाई। किंतु जब यहां आकर हमें सच्चाई का ज्ञान हुआ तो हमने पश्चाताप भाव से आपके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यही राष्ट्रद्रोह है तो हमें ऐसे राष्ट्रद्रोह पर गर्व है। आज हमें विश्वास हो गया है कि हमारे राज्य के नवयुवकों के शरीर में पानी नहीं खून बहता है, और जिस राज्य के नवयुवक जागृत हो उस राज्य की स्वतंत्रता पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन एक बात हम अवश्य कहेंगे कि जन आंदोलन समाज के हित के लिए किया जाता है, लेकिन इसे आरंभ करने से पहले इसके अंत के बारे में विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने इसे आरंभ करने से पहले विचार नहीं किया इसलिए तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा, और तुम लोगों का दंड यह है कि तुम्हें रीवा राज्य की सेना में सम्मिलित किया जाता है। राजा जी की जय हो! 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 राजा जी की जय हो!